दिल्ली दे 1984 सिख विरोधी दंगियां च पहली बार किसी एक दोषी नूं फांसी दी सज़ा अते दूजे नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। पटियाला हाउस अदालत ने मंगलवार नूं सिख विरोधी दंगियां नाल जुड़े एक दोहरे हत्याकांड च फैसला सुनाउंदिआं दोषी यशपाल नूं फांसी ते नरेश सहरावत नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। आओ जानते हैं इस फैसले बारे की कहना है दंगा पीड़ित वैलफेयर सोसाइटी के प्रधान सुरजीत सिंह दंगा पीड़ित अते इस्त्री विंग की प्रधान बीबी गुरदीप कौर दा। असी इहदा स्वागत करना है, वैलकम करना है कि 34 साल तो बाद जिहड़े मुख दोषी सन जिहड़े दो सीबीआई ने इनकुआरी करके इन्हां नूं ते कोर्ट दे विच पेश करके ते इन्हां सज़ा दवाई है। जिहड़ी 245 फाइलां जिहड़ियां बंद कीतियां सन पहलां कांग्रेस ने ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ SIT ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਠਲਾ ਦੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ CBI ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਡੈਪੋਟੇਟ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 245 ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, लेकिन इतिहासिक फैसला आया कि 34 साल बाद देखो एक जड़ा आस नहीं सी 34 साल बाद जड़ा कोर्ट ने जड़ा ये अपना सज़ा सुनाई है। ऐसी कोर्ट का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। देखो जी ये 34 साल बीत जाने बाद सानू तो बिल्कुल ही आस असी छड़ बैठे सी कि कोई भी जड़ा कातल हैगा उन्हें सज़ा मिलेगी, पर ये आज बड़ी वड्डी गल हुई आ। मैं धन्यवाद करती हाँ उन्हें जज साहिबाना का जिन्होंने कि इन कातलों नू अपनी मुकाम तक पहुँचाया। देखो एक नू जड़ा हैगा यशपाल उन्हें मौत की सज़ा मिली आ, तो जड़ा हैगा नरेश सहरावत उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई है। पर चलो जो भी जज साहब ने सोचा होएगा सोच के ही उन्होंने जी सज़ा मुकर की हैगी, पर फिर भी असी उन्होंने धन्यवादी हाँ। अज जड़ा साढ़े वास्ते सब तो वड्डा खुशी का दिन आ, 34 साल बाद साढ़े जोड़े दो कातल उन्होंने घट्टो घट सज़ावं मिली हैं। हूँ अगों भी सानू जी ये आस आ भी जेडे इन्हों जे वे मगरमच्छ है जिमें सज्जन कुमार हैगा जगदीश टाइटल हैगा सब तो व्डा मगरमच्छ जिन्हें ये कतलेआम करवाया राजीव गांधी वो परिवार तक भी हुण हाथ जरूर पहुंचेगा, सोनिया गांधी तक भी हाथ जरूर पहुंचेगा। क्यों जदों सज्जन कुमार नूं ते जगदीश टाइटल नूं फांसी होएगी या उन्होंने सजावं उन्हां दियां मुकर्रर होणगियां, उन्होंने जरूर इस चीज़ का हैगा खुलासा करना कि असी किहदे किहे ते जिहड़े कतलेआम किए सन, किहदे किहे ते लोकां दे घर लुट्टे सन, किहदे किहे ते लोकां दियां जायदादां साड़ियां सन। सो मैं धन्नवाद करदी हाँ दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिन्हां ने नाल मिल के साडे मोढ़े दे नाल मोंडा लगा के हर पक्षों साड़ी मदद करके साड़ी ये लड़ाई लड़ी। अकाली दल ने साड़ी लड़ाई लड़ी, उन्होंने जेड़ा हैगा सानू ये विश्वास दवाया सी अकाली दल ने कि असी जो भी हो सकेगा असी इन्हां कातलों नू सजावां जरूर दवावांगे। अज वो जेड़ी है साड़ी आस हैगी पूरी हुई आ। अज जेड़े पीड़ित परिवार हन जेड़ा अपना सारा कुछ गवा के इत्थे आए, जेड़ियां जेड़े अपने रिश्तेदारां नू अपने नालों अलग करवा के इत्थे आए, अज उन्हां नू उन्हां दे जख्मां ते थोड़ी जिही जेड़ी मरहम दा काम जरूर होया। अगों भी आस करदे आ जिहड़े वड्डे मगरमच्छ उन्होंने जदों सजावं होणगियां ते साडे जख्मां ते पूरी मरहम लगेगी ते असीं भी थोड़ी जी चैन दे नाल अपनी जिंदगी जी सकां। लुधियाना तो गुरमीत निजर की रिपोर्ट, कैमरामैन प्रिंस दे नाल फॉक्स.पंजाबी ईयर सिटी ईयर न्यूज़।